किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस अफसोस के साथ मत जगो कि कल क्या नहीं कर पाए, बल्कि सोच के साथ जगो कि आज क्या कर सकते हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आर जे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की, जो अपने शिष्यों के साथ में अपने मठ में रहते थे, आश्रम में रहते थे, और एक दिन उन्हें कुछ अलग सी सूझी, उन्हें लगा कि कुछ अलग किया जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि सुनिए, मैं भ्रमण के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन इस बार आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध जहां भी जाते थे उनके साथ में उनके शिष्यों की भीड़ चलती थी, अलग से पहचान में आता था कि भगवान निकले हुए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, अब की बार मैं खुद जाऊंगा, अकेला जाऊंगा और कुछ चीजें एक्सप्लोर करके वापस आऊंगा। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, आप आश्रम का मठ का ध्यान रखिएगा, इतना उनसे कहा गया। कुछ शिष्यों की इच्छा थी कि वो कहें कि भगवान हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। भगवान गौतम बुद्ध का आदेश था, उन्हें मानना था, शिष्यों ने मान लिया। ये अकेले निकल गए, इस गांव इससे अगला गांव, जिस तरीके से भ्रमण करते थे वैसे करने लगे। कुछ लोगों ने इनको पहचान लिया, इनको प्रणाम किया, इनसे ज्ञान प्राप्त किया। कुछ लोग नहीं पहचान पाए क्योंकि अकेले निकले हुए थे, जब निकलते थे तो भीड़ से निकलते थे, वैसे ही पहचान में आते थे, तो किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें लगा कि साधारण सा भिक्षुक निकला होगा भिक्षा मांगने के लिए। एक गांव में निकले हुए थे, सुबह का वक्त था और सवेरे सवेरे एक व्यक्ति शराब पीकर के अपने घर वालों से झगड़ा कर रहा था। भगवान गौतम बुद्ध इस घर से उस घर से इस घर से आगे बढ़ते जा रहे थे, प्रणाम करते जा रहे थे, कुछ लोग भिक्षा दे रहे थे। जब उस घर की बारी आई जहां वो शराबी शराब पीकर के झगड़ा कर रहा था, तो उसने देखा कि एक भिक्षुक आया हुआ है। वो बिफर पड़ा, गुस्सा करने लगा, जो सारा गुस्सा घर वालों पर कर रहा था इन पर डाल दिया, गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा, पता नहीं क्या क्या कह दिया, यहां आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो जाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने सारी बातें सुनी, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जब उस शराबी का नशा कम हुआ, नशा उतरा, तो उसी गली में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, वो इसके घर पर पहुंचा और जाकर के बोला कि आज तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो शराबी ने कहा कि अरे क्या हो गया, मुझे ज्ञान मत दो, शराब मत पिया करो, ये सब मत ज्ञान दो मुझे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आज तुमने वाकई में पाप कर दिया, तुमने भगवान गौतम बुद्ध को गालियां दी। तो ये व्यक्ति कहने लगा कि पागल हो गया, उनको क्यों गालियां दूंगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आज जो सवेरे सवेरे तुम्हें सुबह सुबह दिखे थे ना, वो भगवान गौतम बुद्ध थे। तो वो जो व्यक्ति था जिसने शराब पी रखी थी सुबह, वो बोलने लगा कि अरे नहीं, वो हो ही नहीं सकते हैं, वो तो हमेशा भीड़ में चलते हैं, उनके पीछे पीछे उनके शिष्य चलते हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैंने काफ़ी बार उनके दर्शन किए, वही थे, तुमने उन्हें गालियां दिए, अब जाओ जाकर के माफ़ी मांगो। ये जो व्यक्ति था जिसका शराब का नशा उतर चुका था, इसको गिल्ट महसूस होने लगे, इसे लगा कि इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, भगवान गौतम बुद्ध को अपशब्द कह दिए, पता नहीं कहाँ है, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये दौड़ा, अपने गांव से निकल गया, दूसरे गांव में गया, उस रास्ते पर जो दूसरा गांव था वहाँ भी नहीं मिले। पूरी रात खोजता रहा, अगली सुबह भी खोजता रहा, दोपहर में जाकर के एक पेड़ के नीचे से भगवान गौतम बुद्ध दिखाई दिए, जो तपस्या में बैठे थे। वहाँ जाकर के बैठ गया नीचे हाथ जोड़ करके। जब उनकी तपस्या टूटी, उन्हें प्रणाम करके बोला कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, कल के लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि कल के लिए क्या हो गया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि आपको याद नहीं है कल आप आए थे हमारे गांव में और मैं शराब पीकर के झगड़ा कर रहा था और आपको भी मैंने गालियां दी और अपशब्द कहे, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दो, ये वो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कल क्या हुआ, मुझे तो याद ही नहीं है, मैं तो आज में जीता हूं, तो किस बात के लिए माफ करूं। छोटी सी कहानी, लेकिन हमें यही सिखाती है कि लाइफ में जो बीत गया उस कल को भूल जाइए। मैंने पहले भी अपनी कहानी में कहा कि भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में विवाद है। कल के बारे में सोचना है, लेकिन उस कल के बारे में नहीं जो जा चुका है, बल्कि उस कल के बारे में जो आने वाला है। प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर की तैयारी कीजिए, जिंदगी जीने का यही एक फंडा है। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक को, देखिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी। और बस जाते आते यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।